उधर पंच केदारों में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट भी खोल दिए गए हैं। दोपहर 1 बजे तुंगनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने के मौके पर तुंगनाथ धाम को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। तस्वीरें जब तुंगनाथ के कपाट खोले गए, यहां भी भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। दोपहर 1 बजे तुंगनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के मौके पर तुंगनाथ धाम को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। उत्तराखंड के 4 धामों में से 3 धाम के कपाट खुल चुके हैं। 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, जबकि आज केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए और अब 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो कुछ दिन का ही इंतजार है और उसके बाद चारों धामों के कपाट खुल जाएंगे। तो एक एक कर सभी धामों के कपाट खुल रहे हैं और अब बस इंतजार किया जा रहा है बद्रीनाथ के कपाट खुलने का। 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट भी खुलने जा रहे हैं। तीन मई से यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत हुई। इस बार कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कम है, इसलिए तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह दिख रहा है। यमुनोत्री धाम में यात्रियों की काफी भीड़ है। तस्वीरें आपको यमुनोत्री खुलने के बाद श्रद्धालुओं का जो हुजूम यमुनोत्री धाम में पहुंच रहा है वो देखते ही बन रहा है। यानी कि पिछले 2 सालों से जहां यात्रा पूरी तरीके से बंद थी और यात्री अब यहां पहुंचे हैं तो एक अलग ही तस्वीर यहां पर नजर आती है। किस उत्साह के साथ यात्री यमुनोत्री धाम में पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पे हैं, आप बताइए कितना उत्साह है यमुनोत्री धाम में आकर। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतनी भारी मात्रा में श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे, तो हमें तो यहाँ पे आके बहुत ही खुश है, बहुत ही एक्साइटेड है। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू। क्या कहोगे, बिल्कुल माहौल अलग है आपका और यहाँ का। माहौल काफी अलग है। देखिए, हमारी ये पहली चारधाम यात्रा है, अभी हमारी उम्र बहुत कम है। यहाँ पे काफी लोग श्रद्धालु आए हुए हैं, काफी बुजुर्ग हैं, काफी बच्चे हैं। 2 साल के बाद ये वापस चारधाम यात्रा शुरू हुई है। हमें लग रहा था कि यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होगी, बट जिस तरह मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं हमें देख के काफी अच्छा लगा। पतित पावनी माँ श्री यमुना जी में स्नान करके हम बिल्कुल अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप देखो हर एज ग्रुप से, क्या कहोगे, मौसम बिल्कुल अलग है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, बर्फ का मौसम भी बन रहा है यमुनोत्री में। माँ यमुना की कृपा है और दो वर्षों से जब हम लोग इंतजार कर रहे थे, बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम लोगों को यहाँ सौभाग्य मिला है कि फिर से यात्रा शुरू हुई और बड़ा उल्लास है हम लोग। आप बताइए किस तरीके से, जैसे आप यमुनोत्री धाम में पहुँचे हैं, किस उम्मीद के साथ, किस मनोकामना के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं? मेरा तो सपना ही था कि मैं चार धाम की यात्रा कम्प्लीट करूँ, सो मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं यहाँ आई हूँ और मैं कंप्लीट कर पाई, यहाँ पहुँच पाई और होपफुली मैं सेफली अपने घर पहुँच पाऊँ। जिस तरीके से यहाँ पे जय जयकारा यहाँ पे लग रहा है, एक उत्साह है, अपनी मनोकामना लेकर यमुनोत्री धाम में श्रद्धालु पहुँचे हैं तो ये देखते ही बन रहा है। मैं यमुनोत्री धाम से, मैं नितिन चौहान, एबीपी गंगा।